बहुत हृदय द्रावक पत्र जिसको कहते हैं, और बीजेपी रूल स्टेट्स और बीजेपी एज अ पार्टी, मेहता साहब का एक पत्र बहुत बड़ा चाहता है, तमाचा है। बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट, क्रिमिनल, क्रूअल, जो भी कहे वो है, उसे बचने के लिए जस्टिस मेहता लोकायुक्त न बने, इसके लिए जो हथकंडे अपनाए हैं उसको हम कंडेम करते हैं कि ऐसी पार्टी जो करप्ट है, भय भू भ्रष्टाचार से लथबथ बीजेपी रूल्ड गुजरात स्टेट, इसमें मेहता साहब चार्ज लेना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मेहता साहब ने कहा है कि आई कुड सर्व वेरी यूजफुल, मैं एक पब्लिक फंक्शन को अच्छी तरह से सर्व कर सकता हूँ, बहुत अपेक्षाएं थी इनकी बीजेपी गवर्नमेंट के पास से, और इन्होंने इनके पर इतना मेंटल टॉर्चर किया गया, मानसिक त्रास, टू बी और नॉट टू बी एट लोकायुक्त, आई हैव बीन ब्रूडिंग, यानी कि मेहता साहब के ऊपर यहां या अमेरिका जहां वहां गए वहां अलग अलग लोग भेजकर मेंटल टॉर्चरिंग के, आप लोकायुक्त का चार्ज न ले, इसके लिए प्रजा के पैसे से सुप्रीम कोर्ट तक क्यूरेटिव करने की हद तक जो शर्म आनी चाहिए पार्टी को, वो करके जो बचने की कोशिश की है इन्होंने। आखिर मेहता साहब का जो पत्र है, कई बातें बीजेपी को अपने आप को सोचना चाहिए, आने वाले कल के लिए जो अपने आप को सज करने वाली गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट, इनके प्रति मेहता साहब ने जो कहा है कि ये एंटी डेमोक्रेसी, यानी कि लोकशाही का खून करने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यू से इनको कोई संबंध नहीं है, इन्होंने हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द स्टेट, द चीफ जस्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, द गवर्नर हैव रिपोज फेथ इन मी, बीजेपी को ही फेथ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तक को फेथ था, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां तक कहा जस्टिस मेहता शुड टेक चार्ज। गवर्नमेंट को तो चार्ज लेने के लिए थोड़ा भी, अगर मेहता चार्ज लेंगे तो हमारा क्या होगा, कितनी कर्नाटक में जो हुआ येदियुरप्पा का वही हाल हमारा होगा, इस भय से मेहता साहब चार्ज न ले, नोटिफिकेशन तक नहीं निकाला, और जो पत्र लेकर गए आदमी जस्टिस मेहता को इंफॉर्मल, जैसे ही आइए गवर्नर साहब ने आपको अपॉइंटमेंट किए हैं, आप वहां फंक्शन करना है, वोट टेकिंग कर लीजिए, एक मजाक सा बना दिया इस पोस्ट को। कोई भी सम्मानी आदमी बीजेपी की ये बात सुनकर लोकायुक्त का चार्ज अगर लेने का सोच भी रहा हो, वो कभी चार्ज न ले, ऐसा एटीट्यूड, ये सब बातें मेहता साहब ने अपने आप इन्होंने लिखा है, और जो नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, माई वे और हाई वे, इतने इतने अच्छे लफ्ज इन्होंने लिखे हैं, यानी कि इतना दुखी आदमी जो गुजरात हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे, बहुत सीनियर मोस्ट कह सकते हैं, ऐसे आदमी जो बाईधीवे लोकायुक्त के लिए इनका नाम लीडर ऑपोजिशन और गवर्नर ने, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सब ने मिलकर तय किया, उसके बाद जो एक तमाशा हुआ जुडिशरी में और गुजरात के बाजार में और देश के बाजार में, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, अगर थोड़ी भी इनकी ईमानदारी हो या समझ हो या डेमोक्रेसिक वैल्यू हो तो। मेहता साहब का पत्र बहुत कुछ कह जाता है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं चाहूँगा, लेकिन जो नया ड्राफ्ट बीजेपी ने बनाया है, जो अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास पड़ा है, वो भी तो एक मजाक सा बना दिया है, वो भी इन्होंने लिखा है बहुत कुछ, यानी कि ये जो राजभवन के लिए जो गए कि भाई द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात इज अपॉइंटेड यू एज द लोकायुक्त, गुजरात सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जानबूझकर इनको पिंच हो, द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द पर्पज नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज एट द राजभवन, यानी कि एक 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 किसी की शादी हो ऐसे मजाक सा बनाकर आदमी अगर वोट टेकिंग करने जा भी रहा हो न जाए। इतना ही नहीं, जब गुजरात हाईकोर्ट ने ओके किया तो लोकायुक्त की ऑफिस को लॉक किया गया कि गलती से भी मेहता साहब आकर चार्ज न ले। कितना भय इस पार्टी को, जो प्रजा को कहते हैं भय मत रखिए, भ्रष्टाचार न करिए, भूखे न रहे, तो पूरे गुजरात में आज भय भूख भ्रष्टाचार, यानी कि इतनी करप्ट पार्टी जो लोकायुक्त से बचती है,
आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि गुजरात की प्रबुद्ध जनता जो है वो कभी करप्शन को अलाउ नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की एक करप्ट प्रैक्टिस और करप्ट गवर्नमेंट के हिसाब से गुजरात की ही जनता पूरे देश में संदेशा पहुँचाएगी कि ऐसी सरकार हो, इसे न हो अच्छा है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत भारी पड़ेगा। और जो लफ्ज जिन्होंने लिखे मेहता साहब ने कि वुड गिव एन इम्प्रेशन दैट दे वॉन्ट इट टू बी देयर केज पैरट, पिंजरा नो पोपट, यानी कि केज पैरट, ये जो लफ्ज इन्होंने लिखा है, मैं मेहता साहब को बधाई देता हूँ कि ठीक है आपने चार्ज नहीं लिया, लिया होता तो बहुत अच्छा होता। गुजरात की देश की जनता को एक एक वेरी पॉपुलर लोकायुक्त मिलते इतने बोल्ड, लेकिन ये जो लिखा है वो तो बीजेपी और डेमोक्रेसी क्या चीज़ है वो एक्सपोज किया है। बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की मेंटालिटी, ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी, करप्ट मेंटालिटी एक्सपोज करने के लिए पत्र काफ़ी है। आपके माध्यम से पूरे देश दुनिया में ये बात जाए, जिसे बीजेपी को थोड़ी भी शर्म हो तो रीथिंकिंग करके जाए मेहता साहब को, खुद चीफ मिनिस्टर शुड गो, द होल कैबिनेट शुड गो, दे शुड रिक्वेस्ट जस्टिस मेहता प्लीज कम हियर, हैव दिस ऑफिस ऑफ लोकायुक्त, एक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच। मैं शक्ति शिपाई को विनती करूँगा, हो भी आपको धन्यवाद।